खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी के चलते उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। मनमाने बिल वसूले जा रहे हैं। उक्त मनमानी के खिलाफ अधिवक्ता विजय श्रीवास्तव कमिश्नर गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि पूरे प्रदेश में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया जा रहा है, मनमानी बिल वसूली की जा रही है। कुछ उदाहरण देते हुए अधिवक्ता ने बताया कि अगर जाँच की जाए तो बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। दोषियों के खिलाफ अगर FIR नहीं होती और मामले की जांच नहीं की जाती तो धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। आइए सुनते हैं अधिवक्ता विजय श्रीवास्तव ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। हम यहाँ पे बिजली विभाग द्वारा जो बिजली उपभोक्ताओं के साथ लूट की जा रही है, उसके लिए FIR मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जो अधिकारी है, जिनको अधिकार है बिल बनाने का, उनके विरुद्ध FIR की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। इसके पूरी लिखा पढ़ी हमारे द्वारा थाने से लेकर के मुख्यमंत्री तक की जा चुकी है। इसमें एक पकड़ 129 यूनिट का है, जिसमें 885 रुपए वसूल किए गए। 885 रुपया किसी भी हालत में नहीं होता, क्योंकि 150 यूनिट तक के लिए शासन से छूट है। 129 यूनिट का बिल केवल 240 रुपए आना चाहिए और इसमें 885 रुपये वसूल किए हैं। मतलब फर्जी दस्तावेज बिल को फर्जी दस्तावेज बना करके इन्होंने उपभोक्ता से रकम वसूल ली, पैसा वसूला है। और ये मध्य प्रदेश में 1,80,00,000 उपभोक्ता है, अगर हम आधे 50% को भी मान लें, और अगर तो ये आंकड़ा खरबों में चला जाता है। अब चूंकि इस चीज में बिल जो बनता है तो बिल जनरेट हुआ करता है, पूरे मध्य प्रदेश का एक साथ जनरेट होता है कि 130 यूनिट वाले कितना बिल पेड होगा, 30 वाले को कितना छूट मिलेगी, 40 वाले को कितना छूट मिलेगी। उस अनुसार केवल मीटर रीडर और स्थानीय जो बिलिंग होती है उसका इतना केवल कर्तव्य रहता है कि वह बिल रीडिंग डाल देता है कि इतने यूनिट चला, और उसके बाद पूरा बिल जनरेट हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में ये लूट की गई है। लूट ऐसे की गई है कि अगर एक व्यक्ति के साथ यहाँ छेड़खानी अगर इस बिल में जो हमारे पास प्रमाण है जो हम थाने में दिए हैं अगर हुई है, तो इसका वो कर लें, पता लगाएं कि किस व्यक्ति ने किया है और उसके ऊपर FIR हो। और अगर उच्च स्तरीय पूरे मध्य प्रदेश में ये किया गया है, मतलब खरबों रुपये घोटाला किया गया है, तो उसकी जाँच जो है उच्च स्तरीय बैठाई जाए। ये कमिश्नर साहब के सामने हम बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब को आवेदन दिया जा चुका है, सभी को दिया जा चुका है, मुख्यमंत्री जिले के सबको दिया जा चुका है। हमारी मांग है अमैया थाने में हमने वो दिया है, रिपोर्ट किए हैं कि रिपोर्ट लिख करके उनको मुलजिम बनाया जाए। कब तक चलेगा धरना ये? यह अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक कि हमारी ये FIR विद्युत अधिकारियों के ऊपर नहीं होगी। नमस्कार, रीवा, मैं हूँ भानु पंडित। और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।